देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो मैं आपको पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मैं आपको एक सर्किट वाला जो हब होता है वो दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक है माउस का वाला है, ठीक है, लेकिन ये तो मैं USB में कन्वर्ट करूंगा, इसकी वीडियो में बनाऊंगा जब कन्वर्ट करूंगा। तो मतलब यहाँ पे मैं ऐसा लगा दूंगा जिसमें लगता है, ठीक है, ऐसा, और ये मैं हटा दूंगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं कह रहा था, देखिए कैसा सर्किट होता है ये। ये देख सकते हैं यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, उससे अलग है बिल्कुल। तो ये जो सर्किट होता है सबसे बेटर होती है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस और कीबोर्ड दोनों के, इससे ये PS से जो टू केबल्स होती हैं, ये वो वाला है मतलब केबल, तो इसमें कनेक्ट हो जाता है। मैं इसे USB में चेंज कर लूँगा, तो उसकी वीडियो में डालूंगा, ठीक है, बाद में डालूंगा उसकी वीडियो। यही है मतलब सर्किट जो मैं बता रहा था, ऐसा जो जिस हब में सर्किट होगा वो वाला हब ही लेना आपके लिए सबसे बेटर होगा, क्योंकि आप उसमें जब दोनों कनेक्ट कर देंगे माउस और कीबोर्ड, तो आपके मोबाइल में हो चाहे कंप्यूटर हो चाहे जो भी मर्जी हो, उसमें दोनों काम करेगा। लेकिन जो मैंने पिछले वीडियो में जो दिखाया था सिंपल वाला सर्किट, उसमें काम नहीं करते हैं दोनों, दोनों लगाएंगे तो अपने आप दोनों बंद हो जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। यदि ये वीडियो अच्छी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मेरे चैनल को शेयर करिएगा जरूर। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए।